आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉक टू डॉक्टर में, जिसमें यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित सभी समस्याओं का निवारण डॉक्टर के प्रश्न के माध्यम से की जाती है। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनिल कुमार प्रजापति जी, जो एक आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। तो चलिए आज हम इनसे बात करते हैं। हेलो डॉक्टर सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। तो सर, आज हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जो हमारे व्यूअर आपके बारे में जानना चाहते हैं। सर, आपके पंचकर्मा आयुर्वेदा हेल्प सेंटर आपकी संस्था का नाम है सर, तो सर हम जानना चाहेंगे कि ये पंचकर्मा होता क्या चीज़ है। देखिए, पहले तो ये जानना जरूरी है कि पंचकर्म आया कहाँ से, इसके इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। तो जैसे आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व पहले हमारे ऋषि थे आचार्य चरक और सुश्रुत, उनके द्वारा एक आयुर्वेद की विशेष पद्धति की खोज हुई जिसको लोग पंचकर्म के नाम से जानते हैं। तो जैसे ये पंचकर्म जो है, ये उनको पता था कि जैसे शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण, शुद्ध लाइफस्टाइल की न मिलने की वजह से शरीर में तरीके के व्याधियों की उत्पत्ति होती है। उसको रोकने के लिए, मानव जीवन को एकदम संतुलित बनाए रखने के लिए पंचकर्म की खोज हुआ, और इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसमें एक तरीके से ये शुद्धिकरण का प्रक्रिया है, जिसमें शरीर में जितने भी ये वात पित्त कफ बढ़े हुए रहते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अगला सवाल है कि पंचकर्मा से सर क्या क्या लाभ है। देखिए, पंचकर्मा जो है पांच प्रक्रियाओं पर आधारित है, जैसे वमन है, विरेचन है, वस्ती है, शिरोविरेचन है, रक्तमोक्षण है। तो ये पांच व्याधियों से संबंधित है। जैसे वमन आता है, जैसे कफ में, गले में कफ बैठना, आवाज़ में भारीपन, फेफड़े में कफ जमना, उसके बाद भी बहुत सारे स्किन रोग होते हैं जैसे सीरियासिस होता है, ये विटिलोगे होता है, इसमें ये वमन का बहुत बड़ा रोल है। ये सारी दिक्कतें तो बिल्कुल ही नहीं होती हैं। उसके बाद आता है विरेचन। विरेचन मतलब अधोमार्ग से जो दोष होते हैं उसके बाहर करने का प्रक्रिया किया जाता है विरेचन में। इसमें भी स्किन रोग में बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद जितने भी पित्तेज होते हैं, जैसे शरीर में जलन, हाथ पैरों में जलन, स्वभाव में उग्रपन, इसमें ये पित्तज रोगों की विशेष चिकित्सा होती है विरेचन। और उसके बाद आता है वस्ती। शरीर में कहीं भी जकड़न हो, कहीं भी दर्द हो, उसमें वस्ती चिकित्सा जो होती है बहुत अच्छे काम करती है। तो उसके बाद आता है फिर शिरोविरेचन, जैसे सर्दी जुकाम हुआ, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसमें शिरोविरेचन के द्वारा इन रोगों की जड़ समाप्त हो जाती है। और उसके बाद आता है लास्ट में रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण में सभी लोगों के शरीर में कुछ न कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, वो अशुद्धियाँ पेट के माध्यम से ब्लड में आती हैं। तो रक्तमोक्षण होता है कि ब्लड से संबंधित जो भी रोग हैं वो दूर किए। बहुत सारी बातें हुई आज के, तो बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, बहुत सारी जानकारियाँ मिले और हमारे व्यूअर को भी जानकारी मिला। तो ठीक है सर, चलते तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी डॉक्टर साहब से बातचीत हुई है पंचकर्मा के बारे में, आपको सभी जानकारी दी गई है। अगर आपको पंचकर्मा से जुड़ी हुई कुछ और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट किए हुए सभी सवालों को हम अगले वीडियो में अपने उन्हीं सब सवालों को अपने डॉक्टर से पूछेंगे। हमको आप सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आपको रेड कलर का जो बेल आइकन दिख रहा होगा उसको आप जरूर प्रेस करें कि आपको अगली कोई भी वीडियो आने वाली हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, आज के लिए थैंक यू।